It's your boy. It's your boy Lucknow Yaman. Hello friends, welcome back to my channel. It's your boy Lucknow Yaman, and we wish you a Merry Christmas. Let's go. So right now we are at Cinepolis. Na yaar, kidhar hai hum log? Cinepolis. Cinepolis? Nahi, actually right now we are at Cine Avad Mall. Cine Avad. Now ki Cinepolis, Cinepolis mein yaha pe mall hai. So socha ki aaj ek Christmas ka din aur aap logo ko dikhaya jaye ki Lucknow ke andar Christmas ki celebration kaise hoti hai. To dekhte hain yaar, abhi hum log aaye Cinepolis hain, iske baad hum log jayenge. वेव जाएंगे, वेव के बाद में भी जाएंगे सहारा गंज, फिर जाएंगे रात को हम लोग जाएंगे पूरा सेलिब्रेट करने के लिए हजरतगंज, और हजरतगंज में बेसिकली जाएंगे कैथेड्रल. अच्छी खासी सजावट होगी लेकिन कुछ नहीं है ऐसा यहाँ पे, और एंजॉय किया मॉल है, बस नॉर्मल सा ऐसा चाह भी कुछ देखने को भी नहीं है. रात सो रेट वी आर गोइंग टू वेव और विल मीट यू देयर. सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं वेव, पहुँच चुके हैं वेव के बैक साइड पे, और हम लोग जा रहे हैं फ्रंट साइड से, जाएंगे अंदर, और यहाँ पे बहुत भीड़ है देखने से जो लग रहा है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं. ऑब्वियसली ऐसे मॉल में तो गाड़ियाँ खड़ी ही होंगी, और क्रिसमस का दिन है तो भीड़ तो होनी है. आया अब लगी है इनको भूख, तो वी आर गोइंग टू हैव मैकडी ना. या वी आर गोइंग टू हैव मैकडी, सो लेट्स गो टू मैकडी. सो हम लोग वेव मॉल पहुंच चुके हैं, और कुछ अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, और लग रहा है कि यहीं से दिख रहा है कि बहुत अच्छा सजा होगा, एंड बहुत बड़े वाले सेंटा होंगे यहाँ पे, और दिख गए बहुत बड़े वाले सेंटा. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज कॉल्ड डेकोरेशन. ऑब्वियसली यदि बाहर तो बहुत अच्छा होता होगा, लेकिन दिस इज कॉल्ड डेकोरेशन. इतने बड़े सेंटा, सेंटा हमें भी कुछ दे दो, सेंटा हमें भी कुछ दे दो. क्या चाहिए तुम्हें सेंटा से? PS4. ऐसे बच्चों को नहीं मिलता, बच्चे जो पढ़ते हैं उनको मिलता है, ऐसे बच्चों को नहीं मिलता, ऐसे बच्चों को नहीं मिलता. सेंटा 100 के दे दो हमें जल्दी से, 100 के सब्सक्राइबर है, जल्दी से सेंटा मेरे में मोनेटाइजेशन ऑन कर दो, और 100 के सब्सक्राइबर दे दो, और जब तक ये पढ़े हैं ना इसको कुछ मत दो. We are leaving for Sahara Ganj. Okay, am I right? Yeah, we are leaving for Sahara Ganj. Guma acha hai, yahan pe decoration bahut acha hai. Santa se mang bhi liya yaar, Santa kuch to de do yaar. 100k subscriber nahi to kam se kam 4000 pahunch ghanta hi paar kar do hamara. Kam se kam monetization to bacche pe khul jaye. Gareeb bacche pe monetization khol do bhaiya, Santa khol do yaar. Are is bacche ko chahiye, kya chahiye is bacche ko, gareeb bacche ko bechare ko? PS4 ki sari CDs. Gareeb bacche ko PS4 ki sari CDs chahiye. इतने गरीब हैं कि PS4 ले सकते हैं, CDs नहीं ले सकते. इनको PS4 की CDs देने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो है पढ़ते नहीं है, जब ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब इनको PS4 की CDs मिलेंगी. इस गरीब बच्चे को PS4 की CDs मिलेंगी. 17 out of 20 क्यों नहीं आते हैं? So guys, we are leaving for Sahara Ganj. We will meet you there. So finally guys, हम लोग सहारागंज पहुंच चुके हैं, और सहारागंज के बाद हम लोग सहारागंज ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, सहारागंज थोड़ी देर रुकेंगे,
और सारा घंटे 10 मिनट्स होती है, हम बस 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकने आ रहे, सिर्फ डेकोरेशन देखेंगे कैसा है क्या है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर और फिर रात को आएंगे अपन लोग। कहाँ पर हम लोग आएंगे अनु? सारागंज नहीं आएंगे, रात को जाएंगे कैथेड्रल, क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे सारागंज में, कैथेड्रल जाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल अ डेकोरेशन ऑफ क्रिसमस, लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस मैन, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तो बाहर अपने सब अपने डेकोरेशन पूरा लगा हुआ था और यहाँ पे देखिए सांता ने अपना घर भी बना रखा है, यू कैन सी दिस सांता हाउस। आई एम जस्ट प्रमोटिंग माय सेल्फ हियर, भाई मिले मैंने कहा सब्सक्राइब कर लेना, जरूर लखनऊ जरूर। आई एम जस्ट प्रमोटिंग माय सेल्फ हियर, आई एम जस्ट गोना हैव स्वीट कॉर्न्स एंड स्वीट कॉर्न्स आर माई लव, आई कैन ईट स्वीट कॉर्न्स एनी टाइम एनी डे, मुक्कड़ इंसान है आप देख रहे हैं, हमें बोलते कि खुद खाते आप देखिए खुद खा रहे हैं और मुझे ये मिल ले रहे, मुझे ये टुल्लू, सो यू कैन सी तुमने जो है तुमने हॉट चॉकलेट ली। अब मैं बोलूं, अब मैं एक बार बोलूंगा ये मुझे बोलूं इन्होंने क्या क्या खाया, मैं लिस्ट बनाऊंगा। इस लड़के ने पहले हॉट चॉकलेट लिया है, हॉट चॉकलेट पिया, उसके बाद एक मैक पफ, एक मैक आलू टिक्की, उसके बाद पूरा मैक फ्लोट है, जस्ट लुक एट द डेकोरेशन गाइस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो गाइस इट्स ऑलरेडी 2:35 इन द नून एंड वी आर गोइंग होम, वी आर गोइंग होम एंड उसके बाद आराम करेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद खा तो बहुत चुके हैं, कुछ खाने का तो प्लान नहीं है, बस जाएंगे आराम करेंगे और सोएंगे इस समय, और उसके बाद हम लोग शाम को मिलते हैं आपसे, कहाँ मिलेंगे यार, सहारागंज के पास, सॉरी सहारागंज के अलावा, शाम को मिलते हैं आपसे हजरगंज कैथेड्रल में, क्योंकि वहाँ पे एक वो है आपका चर्च है कैथेड्रल, सबको ही पता होगा वहाँ पे बहुत खूबसूरत सजावट होती है, तो उससे विल मीट यू देयर। ओके गाइस, सो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं हजरतगंज और इस समय हम लोग जा रहे हैं कैथेड्रल कॉलेज, कैथेड्रल नाम है ना कि क्राइस्ट चर्च, कैथेड्रल है, क्राइस्ट चर्च जो आगे वाला है, हम लोग जा रहे हैं कैथेड्रल जो लखनऊ में सबसे एक वो चर्च भी है कॉलेज भी है, सबसे ज़्यादा सस्ता है और बहुत खूबसूरत सस्ता है, तो चलिए देखते हैं वो कैसा रहता है, मेरा एक्सपीरियंस, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैं पहले आया हूँ लेकिन गया ज़्यादा नहीं हूँ, तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है अपना।
ऑलमोस्ट मेरा दिन खत्म हो चुका है क्रिसमस डे मेरे लिए, क्योंकि मैं अब निकल रहा हूँ काम, घर जा रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है। और पता है पहले क्या होता था बचपन में, जब मैं क्रिसमस आता था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता था, मैं हद से ज़्यादा एक्साइटेड होता था। तो मैंने टीवी में देखा था कि मोस्टली टॉम एंड जेरी इन सब में देखा था कि भैया जब भी क्रिसमस से एक क्रिसमस ईव पे आप जो हो क्रिसमस ट्री सजा के कायदे से बहुत खूबसूरत तरीके से सजा के उसके ऊपर सॉक्स लगा दो तो सुबह आता सेंटा और आपके रात में सेंटा आता है और गिफ्ट डाल के जाता है। तो मेरे में ये भूत सवार था, तो मैं क्या करता था हर रात हर क्रिसमस ईव पे मैं रात को क्रिसमस ट्री सजाता था, मम्मी से रो वो के मम्मी से मैंने क्रिसमस ट्री मंगवाया, वो क्रिसमस ट्री मेरे लिए लेके आई। उसके बाद जब भी क्रिसमस ईव होती थी मैं रात को सजा के खूबसूरत तरीके से उसके ऊपर सॉक्स लगाता था और रोज सुबह उठता था और मुझे गिफ्ट दिखता था उसके अंदर। मोस्टली पेन्स जो मुझे पसंद होते थे, पेन मिलते थे, कभी पैसे मिलते थे, कभी मतलब हर हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहता था और मैं बहुत खुश, मुझे लगता था यार हाँ सेंटा है सेंटा है सेंटा है। फिर जब मैं बड़ा हुआ धीरे धीरे और मुझे अक्ल आई, मैंने चीज़ें देखी, एक रात को मैं उठा देखा मेरी अम्मा क्या कर रही है उसके अंदर डाल रही है, तब मुझे समझ आया यार बेवकूफ़ था मैं कितना बड़ा हुआ, तो मेरी अम्मा ही सेंटा थी। तो ऑब्वियसली बात है सबके लिए सबके साथ सेम चीज़ होती होगी, सबके पेरेंट्स यही करते थे क्योंकि सेंटा आई डोंट नो, मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मतलब डोंट कोट मी ऑन दैट, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। तो मेरा दिन पूरा हो चुका है, मैंने इन्जॉय किया, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और अब मैं निकला अपने घर की ओर। सो आज के लिए बस इतना ही, विल सी यू सून, टिल देन बाय बाय।